ये बात सही है कि इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं उनको ये विचार करना चाहिए है कि जिस शुरुआत जब ये घटनाक्रम की हुई थी 2020 में, जब सिंधिया जी स्वयं गए थे, उनके साथ विधायक गए थे, उनके अधिकतर विधायक और वो लोग कहाँ हैं आज? इमरती देवी की हम बात करें, चाहे वो विधायक या मंत्री हैं आज के दिन, नहीं है। आप बात करें मुरैना की तो रघुराज कंसाना जी की बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। हम बात करें कमलेश जाटव जी की, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। मुन्नालाल गोयल जी की हम बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। तो जो लोग को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, आज उनकी कोई भी उनका सम्मान नहीं बचा है भाजपा में। और जब भाजपा के नेता स्वयं कह रहे हैं कि कचरा आ रहा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़ के? लेकिन जो लोग छोड़ के गए भी हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब इसका आपका एहसास हो रहा है कि भाजपा में ना उनका सम्मान है ना उनकी इज्जत है। जी जरूर, सबका उद्देश्य एक ही है कि इंडिया को जीतना चाहिए है, और इंडिया तब जीत पाएगा जब हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, पुनः नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और जो भाजपा की महंगाई की मार जो आज पड़ रही है आम जन पर, वो खत्म तभी हो पाएगी जब पुनः एक बार मौका इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा।